अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है। बड़े दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ ब्लॉग, टाइम नहीं मिला जब से पाकिस्तान से वापस मस्कत आया हूँ, तो सोचा कि अब क्यों ना ब्लॉग अपलोड किया जाए। दरअसल माशाल्लाह ईद भी नज़दीक नज़दीक है, कुर्बानी भी नज़दीक नज़दीक है, तो ईद भी नज़दीक है, कुर्बानी नज़दीक नज़दीक है, तो मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ इस चीज़ को कि कुर्बानी भी आ रही है और मैं बड़ी दूर बैठा हूँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हूँ अल्लाह ने बहुत खुश रखा है और बहुत अच्छा रखा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो वो कहते हैं ना कि याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, यही हमें इसी चीज़ का, इसी ईद का इंतज़ार होता है कि हमने कुर्बानी के जानवर लेने जाना होते हैं और माशाल्लाह रौनकें लगी होती है। और अब छोटा भाई मेरा मौज कर रहा है, तो मैं आपसे शेयर ये करना था व्लॉग में कि माशाल्लाह रात को घर वाले गए हैं तो जानवर लेके आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बकरे और गाय लेके आए हैं, तो वह मैं व्लॉग में आपके साथ शेयर करता हूँ। वो शेयर ऐसे करूँगा कि छोटा भाई मुझे शेयर करेगा तो मैं व्लॉग में शेयर करूँगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देखें, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। ये हैं हमारी गाय और ये हैं माशाल्लाह बकरे, माशाल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल फरमाए। ये है मेरे वालिद साहब गाय को फिरा रहे हैं, हैं जी, खुश हैं, अल्लाह ताला सबके वालदैन को ऐसे। से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मका से लाम मका से। तू वहदहु ला शरीक लहु तेरी शान जल्ला जलालुहु, तू करीम है तू अजीम है रहमान है तू रहीम है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये है जी हमारी गली और रौनकें देखें कितनी रौनकें लगी हुई हैं, बच्चे बैठे हैं शुगल कर रहे हैं, साथ जानवरों की रखवाली कर रहे हैं, गली में और भी लोग जानवर लेके आए हैं, तो यही इंतज़ार होता है ईद का, तो बच्चे भी इंतज़ार करते हैं जानवर आए हैं हम उनके पास रहें, उनकी सेवा करें, उनके साथ खेलें, उनको तंग करें, तो जी ये रौनकें लगी हुई हैं गली में जैसा कि आप देख रहे हैं। रौनके चेक करे माशाल्लाह जी माशाल्लाह, रौनक लगी है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह भाईजान माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, रौनक लगी है, हाय 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाईजान, ये देखे ये देखे ये रौनके हैं, ये रौनके हैं भाईजान, ये रौनके हैं, ये देखें ये रौनके हैं। तो जी जनाब, आपने देखा मेरा व्लॉग और जानवर भी देखे, माशाल्लाह जानवर सारे ही अच्छे होते हैं, कुर्बानी की अल्लाह के राह में जा रहे हैं, सब भी अच्छे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और कोशिश करें कि जो माशाल्लाह कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ताला ने जिसको हिम्मत दी है और हौसला दिया है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको कुर्बानी की हिम्मत दे हौसला दे, तो कोशिश ये किया करें कि जब कुर्बानी करें तो जानवर को कम से कम 4 से 5 दिन पहले लेके आएं, उसे मोहब्बत करें, उसको खिलाएं पिलाएं, उसको सैर वगैरह करवाएं, गर्मी इतनी है उसको नहलाएं, ये हदीस में भी आता है, नबी करीम ने फरमाया कि जब कुर्बानी करनी है तो उससे मोहब्बत करो, उससे 5-6 दिन पहले लेके आओ, तो ऐसा नहीं है कि यार ईद वाले दिन चले जाएँगे यार चांद रात को चले जाएँगे तो जाके ले आएँगे, नहीं, 5-6 दिन पहले लेके आएँ और उससे मोहब्बत करें, तो अल्लाह ताला को भी पसंद है, नबी करीम को भी पसंद है, तो उम्मीद है कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।
और ईद मुबारक सबको, एडवांस ईद मुबारक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।